हेलो डियर स्टूडेंट, चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जिस तरीके से हम क्वेश्चन करते आ रहे थे उसी सीरीज में हमने आज भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है घड़ी का। देखो घड़ी के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, कभी कभी तो आता है एंगल वाला क्वेश्चन, कभी कभी आता है खराब घड़ी का क्वेश्चन, कभी कभी आता है मिरर इमेज या वॉटर बेस। तो देखो किस तरीके से इसके करते हैं, सारे तरीके मैंने बता रखे हैं। तो आज मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है। इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा। तो देखिए, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है, इसे दोपहर 12 बजे मिलाया गया तो घड़ी अगले दिन सुबह 4 बजे पूर्वाहन का मतलब होता है AM। पूर्वाहन क्या समय बताएगी, मतलब सुबह के 4 बजे क्या समय दिखाएगी, ये बताना है। तो देखो घड़ी प्रतिदिन कितना आगे हो रही है, 15 मिनट। तो पहले हम ये देखते हैं कि इस घड़ी को दोपहर बच्चों 12 बजे मिलाया गया। कितने बजे मिलाया गया इस घड़ी को, 12 बजे। अब देखो 12 बजे जब इस घड़ी को मिलाया गया है 12 बजे, तो देखो 12 बजे से लेकर अगर हम सुबह के 4 बजे से लेकर, देखो दोपहर के 12 बजे हैं ये, तो बच्चा रात के भी 12 बजे होंगे और फिर सुबह के 4। तो यहां से यहां तक कितने घंटे हो गए, 12 घंटे। यहां से यहां तक कितने घंटे हो गए, 12 घंटे। फिर कितने घंटे हो गए, 4 घंटे। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहां से लेकर वहां तक कितने घंटे हो गए बच्चों, 16 घंटे। कितने घंटे हो रहे हैं, 16 घंटे। लेकिन इस घड़ी में खराबी क्या है बच्चों, वो ध्यान से समझने वाली चीज है। तो देखो इसमें घड़ी में खराबी क्या है, अब देखो खराबी ये है कि ये घड़ी जो है 24 घंटे में 15 मिनट तेज हो जाती है। 24 घंटे में कितना तेज हो जाती है, 15 मिनट तेज। 24 घंटे में जब 15 मिनट तेज हो जाती है तो एक घंटे में कितना तेज हो जाती होगी, एक घंटे में कितना तेज हो जाती होगी। तो देखो एक घंटे में अगर हम देखें, एक घंटे में हो जाएगी 15/24 मिनट तेज। एक घंटे में हो जाएगी 15/24 मिनट तेज। तेज का मतलब है कि आगे हो जाएगी, तेज का मतलब है आगे, और मंद होती तो मंद का मतलब होता है पीछे। तो 15/24 मिनट तेज हो जाएगी। लेकिन घड़ी को 12 बजे दोपहर को सही समय पर मिलाया गया तो सुबह 4 बजे पूछा है क्या टाइम होगा, तो यहां से यहां तक 16 घंटे हो गए। तो जब एक घंटे में 15/24 मिनट तेज हो रही है तो 16 घंटे में कितना तेज हो जाएगी, 16 घंटे में। तो 16 घंटे में 15/24 गुणा 16 इतना तेज हो जाएगी। तो काट दो भाई, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 10 मिनट तेज हो जाएगी। यानी 16 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाएगी। तो 10 मिनट तेज होने का मतलब क्या है, यहां पर 10 मिनट पीछे हो जाएगी बच्चों या 10 मिनट आगे। तो 10 मिनट जब तेज हो जाएगी तो इसका मतलब 10 मिनट आगे हो जाएगी। तो जब 10 मिनट आगे हो जाएगी तो घड़ी अगर सही चलती तो सुबह को 4 बजे 4 बजे का टाइम दिखाती, लेकिन 10 मिनट तेज हो चुकी होगी तो बताओ कितने बजे का टाइम दिखा रही होगी, 4:10 AM पूर्वाहन, क्योंकि पूर्वाहन का टाइम था उससे 10 मिनट आगे हो गई होगी। तो 4:10 पूर्वाहन, अगर अपराहन लिखा हुआ आ जाए तो वो आंसर नहीं होगा, पूर्वाहन वाला आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, 4:10 इसका आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों, इस तरीके को क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास डाइस का है, ऐसा क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूं आपको, कभी कभी कराता रहता हूं बीच बीच में, जैसे खुले पासे का क्वेश्चन है ये। इसमें देखो बच्चों जो अलग अलग निकली हुई हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगी। कहने का मतलब ये है कि सर्किल के अपोजिट में आपका हो जाएगा बेटा ये वाला, सर्किल के अपोजिट में हो गया ये, इसके अपोजिट में क्या होगा, ये होगा सर हैज। इस वाली आकृति के अपोजिट में क्या होगा बच्चों, हैज होगा। सेकंड वाले के अपोजिट में फोर्थ होता है, यानी 5 के अपोजिट में क्या होगा, 4 होगा। ये हमने पता कर ली इसकी अपोजिट साइड।
अब हमसे ये पूछा है कि खुले घन से बनाया नहीं जा सकता, यानी कभी कभी तो पूछ सकता है कि कौन सा बनाया जा सकता है, और कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। अब नहीं कौन सा बनाया जा सकता, तो ये देखो पहला, इसमें हमें ये दिखाई दे रही है, ये रेक्टेंगल हैज और फाइव, रेक्टेंगल हैज और फाइव, कोई किसी के अपोजिट है, कोई किसी के अपोजिट है नहीं है, तो ये तो बनाया जा सकता है, इसीलिए हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें तो वो चाहिए जो नहीं बनाया जा सकता। दूसरी चीज, फोर सर्किल और ये वाला विकर्ण वाला, ये तीनों अपोजिट हैं क्या? ये भी तीनों अपोजिट नहीं है, तो ये तो बनाया जा सकता है, इसीलिए हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि बच्चों हमें तो वो चाहिए जो नहीं बनाया जा सकता। ये देखें, हैज फाइव सर्किल, हैज फाइव और सर्किल, हैज तो यहां पर है, फाइव तो यहां पर है, सर्किल तो यहां पर है, इनमें कोई किसी के अपोजिट है क्या? तो जब अपोजिट सतह साथ दिखाई नहीं देती हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो तो बनाया जा सकता है, ठीक है, तो ये तो बनाया जा सकता है, इसीलिए हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमसे तो वो पूछा है जो नहीं बनाया जा सकता, तो फिर नहीं कौन सा बनाया जा सकता, ये वाला बच्चा, ये आंसर हो जाएगा। और ये क्यों नहीं बनाया जा सकता, इसमें देखो हैज और ये विकर्ण वाला जो है, हैज और ये जो विकर्ण वाला है, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, और इसमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं, अगर यहां पर ये सर्किल वाला है तो हैज उधर होता, अगर हैज ऊपर है तो ये विकर्ण वाला नीचे होता, मतलब विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देनी चाहिए थी, तो ये वाला पासा किसी भी हाल में इससे नहीं बनाया जा सकता, तो यही आंसर है, क्योंकि हमसे तो वो ही पूछा है जो नहीं बनाया जा सकता, तो इसका आंसर बच्चों क्या हो गया, ऑप्शन सी। इस तरीके से इसको करने का पैटर्न रहता है, समझ गए होंगे सभी। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत ही सिंपल है, हवा में उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को, तो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, दिए गए शब्द के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, यानी कभी कभी पूछता है कि बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें नहीं पूछा है नहीं बनाया जा सकता, तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना बच्चों, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। इन लेट ई है, इसमें ई तो है ही नहीं, तो ये नहीं बनाया जा सकता भाई, ये बनाया जा सकता है, ये भी बना दिया जाएगा, आई एन जी ओ टी, ये भी बन जाएगा, जी जे आई एन जी ओ टी, ये भी बन जाएगा, सारे बन जाएंगे, लेकिन ये नहीं बनाया जा सकता। और ये क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उपरोक्त जो शब्द है उसमें क्या नहीं है बच्चों, ई लिखा हुआ नहीं है उसमें, अगर उसमें ई लिखा हुआ होता तो वो बन जाता, लेकिन ये ई लिखा हुआ नहीं है, इसलिए नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा ये आ गया भाई, मिसिंग नंबर का, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, इसको जल्दी से कैसे करें सर, ये तो हो नहीं पाता है हमसे, तो देखो बच्चों इसका मैं एक ही तरीका आपको बताता हूं, कि इसको करने का ये तरीका रहता है कि जैसे मान लो जहां पर बड़े नंबर हैं उसे तुम्हें सॉल्व करके लाना है, यानी छोटे नंबरों से बड़ा नंबर लाना है सॉल्व करके, ठीक है, कहने का मतलब ये है, चाहे तो गुणा करो, प्लस करो, स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई माइनस करो, मतलब कुछ भी करो, लेकिन ये आपको इन चारों नंबर से 31 लेके आना है। तो मेरे दिमाग में आया कि चलो भाई जोड़ के देखता हूँ इसको, क्या करता हूँ इसे जोड़कर, दो और तीन पाँच और एक छः और पाँच 11, अब 11 के पहाड़े में 31 आता है क्या? नहीं, यानी वो तरीका तो हो गया फेल। तो जब प्लस वाला तरीका फेल हो गया तो हम गुणा करके देखें एक बार, दो तिया छः, छः एकन छः, छः पंजे तीस, गुणा करके 30 आ रहा है, चलो एक अपनी तरफ से जोड़ देते हैं, कितना हो गया 31, दो तीय छः छः एकन छः छः पंजे तीस, एक अपनी तरफ से जोड़ दिया, कितना हो गया 31। अब ऐसे इसमें दो चौक आठ, आठ छंग 48, 48 तिया 144, चलो एक अपनी तरफ से जोड़ो, क्योंकि वहां पर भी तो जोड़ा है एक अपनी तरफ से, तो एक अपनी तरफ से जोड़ो तो 145, यानी हम समझ गए, इन दोनों का अध्ययन करने के बाद हमें ये पता चला बच्चों कि इसमें क्या हो रहा है कि चारों नंबरों की गुणा करने के बाद प्लस में कितना आ रहा है, वन अपनी तरफ से ऐड करना पड़ रहा है, तो ऐसे हम कर देंगे यहाँ पर, एक दूनी दो, दो सत्ते चौदह, चौदह पंजे सत्तर, अब सत्तर में से कितना कम कितना बढ़ा दोगे, सत्तर में एक जोड़ दोगे, 71 कर दोगे, कितना कर दोगे 71, तो इसका आंसर बच्चों ऑप्शन डी, बात क्लियर है, ऑप्शन डी 71, इस तरीके से करोगे बच्चों। मैंने आपको
कई बार इस तरीके के सवाल करने का पैटर्न आपको बताया है कि जब भी ऐसा सवाल आए प्लस गुणा कुछ करके अंदर वाला नंबर आपको लाना होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, दिवित का जन्मदिन शुक्रवार 30 जून को है, यदि समर का जन्म 15 नवंबर को हुआ था तो उसी वर्ष समर का जन्म क्या दिन हुआ था। कैलेंडर का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें कहने का मतलब यह है कि 30 जून का दिन हमें पता है और हमें निकालना है कब का, 15 नवंबर का दिन निकालना है। यानी कहने का मतलब यह है कि दिवित का जो जन्म है वो है 30 जून को और दिवित का जन्म का डेट हमें दिया हुआ है। देखो दिवित का जन्म शुक्रवार, 30 जून कब हुआ, शुक्रवार। अब हमसे समर का जन्म पूछा है, समर का जन्म कब हुआ बच्चों, 15 नवंबर। समर का जन्म हुआ है 15 नवंबर। यानी ये क्वेश्चन ऐसे बन गया कि 30 जून को है शुक्रवार, तो बताओ 15 नवंबर को क्या होगा। तो हमें 30 जून से 15 नवंबर तक जाना है। ठीक है, अब जून कितने का होता है, 30 का। तो 30 जून तक जून के 30 दिन तो हो गए बच्चों कंप्लीट। 30 जून तक जून के 30 दिन कंप्लीट हो गए। अब हमें जुलाई देखनी है, जुलाई कितने की आई होगी बच्चों, जुलाई 31 की, 31 में कितना विषम दिन, 3। अगस्त 31 में कितना विषम दिन, 3। सितंबर 2। सितंबर 30 में कितना विषम दिन, 2। सितंबर कितने का, 30 का, 30 में कितना विषम दिन, 2। विषम दिन वो होते हैं 7 से भाग करने पर जो शेष बचता है। अक्टूबर 31 में कितना शेष, 3। नवंबर कितनी तारीख तक लेना बच्चों, 15 तारीख तक लेना है। नवंबर कितनी तारीख तक लेना है बच्चों, 15 तारीख तक। तो 15 में कितना शेष, 7 दूनी 14 कितना शेष, 1। तो देखो 7 के जोड़े बनाकर ऐसे काट दिया करो, 3 और 1 4 और 3 7। जल्दी करने का तो बच्चों ये तरीका है, जल्दी करने का ये तरीका है कि आपको भाग नहीं करनी, आप तो ऐसे करो 3 3 6 और 1 7। 3 और 2 कितना बचा, 5। ठीक है, क्योंकि पेपर में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करना होता है। 5 शुक्र में 7 जोड़ोगे तो शुक्र आएगा, लेकिन 5 जोड़ दिया तो बुधवार आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा अगर 5 जोड़ दिया तो, बुधवार। इसका आंसर हो गया बच्चों बुधवार, इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी बुधवार, राइट आंसर इसका बुधवार हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरा आम और फल, इसका वेन डायग्राम बनाने को आ जाता है कभी कभी, ऐसे क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का आ सकता है। तो इसको कैसे बनाते हैं, हरा आम और फल। तो दुनिया में जितने भी आम हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कुछ बच्चे कहेंगे सर हरे हैं सारे के सारे, सारे आम हरे हैं क्या, नहीं। लेकिन दुनिया में जितने आम हैं वो सब किस में आते हैं, फल में। किस में आएंगे, फल में। जितने भी आम हैं वो क्या होते हैं, फल। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ फल और कुछ आम क्या होते हैं, हरे। जैसे अमरूद है, फल भी है और हरा भी है, समझ रहे हो। ऐसे ही कुछ आम होते हैं हरे और कुछ आम पीले। जैसे कुछ हरे, हरा वाला पोर्शन इन दोनों को काटेगा, कुछ फल भी हरे हो सकते हैं और कुछ आम। सारे आम हरे नहीं होते, सारे फल भी हरे नहीं होते। तो हरा वाला पोर्शन इस तरीके से इसको काटता हुआ जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम छांटिए, विषम का मतलब ऑड करना है, इसमें 3 एक समान होंगे, चौथे में कुछ अलग चल रहा होगा। देखते हैं, यहां से देखो जल्दी करने का तो ये तरीका है। बच्चे क्या करते हैं कभी कभी एकदम डायरेक्ट नंबर लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर आसान पैटर्न है तो नंबर मत लिखो। अगर हार्ड पैटर्न है, समझ नहीं पा रहे हो तो नंबर लिख लो वहां पर। देखो यू बी डब्ल्यू ओ पी क्यू डी ई जी जे के एल। तो देखो जे के एल ओ पी क्यू यू बी डब्ल्यू सारे सीरीज से हैं, लेकिन डी के बाद ई, ई के बाद एफ आता है, यहां पर एक का गैप हो गया, इसका मतलब ये आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकृतियां गिननी है, इसमें त्रिभुज गिनने हैं, त्रिभुज। इस आकृति में बच्चों कितने त्रिभुज हैं ये हमें बताना है गिनकर, ये हमें गिनकर बताना है। तो देखो कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 16 कितने हो गए, 16। 1 और 2 3, 1 और 2 3, 1 और 2 3, 1 और 2 3, 16 तो हो ही गए, 3 3 3 कितना 12, 16 और 12 कितना हो गया बच्चों 28,
16 और 12 कितने हो गए, 28। 16 और 12 28 हो गए। 28 के बाद देखो बच्चों, 28 के बाद देखो, एक इससे मिलकर 29, ये इससे मिलकर 30, ठीक है, ऐसे ये इधर को मिलकर 31, ऐसे ये इधर को मिलकर 32, ठीक है, ऐसे ये इधर को मिलकर 33, ऐसे ये इधर को मिलकर 34, ठीक है, ऐसे ये इधर को मिलकर 35 और ऐसे ये मिलकर 36, ठीक है। देखो, 8 अंदर पोर्शन है, 8 × 2 = 16 इसके हो गए, 3 ये 12, 16 और 12 28, 28 के बाद इन दोनों को मिलाकर 29, ये 30, ये इन दोनों को मिलाकर 31, इन दोनों को मिलाकर 32, 33 और इन दोनों को मिलाकर 34, ऐसे इन दोनों को मिलाकर 35 और इसको मिलाकर 36, ठीक है। तो इसका बच्चों आंसर हो गया आपका 36। क्लियर, सबके समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया है बच्चों, आयु का अनुपात का तो आप देखते ही उड़ा दोगे बच्चों, इसमें पूछा है, लेकिन अंतर कितने का अंतर पूछा है, अंतर, तो आपकी बार में उस तरीके से ना करके और भी शॉर्ट में निपटा रहा हूं इसको कैसे, क्योंकि अगर इसमें आयु पूछी होती तो हम लगाते हो, आप बताओ अंतर पूछा है इनका, इनकी आयु का योग दिया है 33, एक बात बताओ इनकी आयु पंकज की और पुनीत की आयु, पंकज की और पुनीत की जो आयु है इसका अनुपात कितना है, पंकज और पुनीत की आयु का जो अनुपात है ना, पंकज और पुनीत की आयु का अनुपात वो कितना है, 5:6, उनकी आयु का योग 33 वर्ष है, यानी 5 और 6 को अगर हम जोड़ें तो कितना आएगा, 11, 11 की वैल्यू किसके बराबर है, 33 के बराबर, तो एक की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 11 × 33, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और इन दोनों में अंतर पूछा है, तो 5 में और 6 में कितने का अंतर है, 1 का, 5 में और 6 में कितने का अंतर है, 1 का, और 1 की वैल्यू तो हमें पता चल गई 3 है, यानी इन दोनों की आयु में कितने का अंतर है बच्चों, 3 साल का अंतर है, बात क्लियर, ऐसे क्वेश्चन को करना है आप लोगों को जल्दी। नेक्स्ट, ये आ गई मिरर इमेज, लेफ्ट का राइट कर दो, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट मतलब जो चीज इधर की साइड है उसे उधर पहुंचा दो, ये जो है ट्रायंगल ये उधर की साइड पहुंच जाएगा और ये जो वॉल इसमें दिखाई दे रही है वो भी उधर की साइड, ठीक है। अब देखो कौन कौन से ऑप्शन खत्म हो गए, ये तो बिल्कुल इधर ही है वॉल, खत्म हो गया, ये तो नीचे पहुंच गई, नीचे तो वॉटर इमेज में पहुंचते हैं, ये नीचे पहुंच गया, नीचे तो वॉटर इमेज में पहुंचते हैं, तो कौन सा ऑप्शन बचा, केवल यही ऑप्शन बचा, क्योंकि ये चीज आ जाती है लेफ्ट में, और ये देखो ऐसे है ना, इसका जो ये है वॉल का ये है, कभी कभी ऑप्शन ऐसा दे देता है कि बाकी चेंज कर देता है लेकिन एक दो चीजें सेम रहने देता है, तो जब ये देखो किधर से जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो इधर की साइड कहां जाएगा, राइट से लेफ्ट, इधर की साइड ऐसा हो जाएगा, तो देखो ऐसा यहां पर है, ऐसा है इधर, ठीक है, वो यहां पर आ गया, ये इधर आ गया, क्योंकि इधर वाली चीज इधर पहुंच जाती है, उधर वाली इधर, ये ब्लैंक जो था वो इधर आ गया, यानी आंसर हो गया बच्चों आपका बी, बात क्लियर। तो इसमें आपको क्या करना होता है, लेफ्ट का राइट, ऊपर नीचे में कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन अगर बॉर्डर में आ जाए तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, लेफ्ट राइट में कोई चेंज नहीं करना, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ये हमारा आज की प्रैक्टिस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, इस तरीके से आज की जो क्लास थी हमारी यहीं पे खत्म होती है, ठीक है। तो आपको इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए समझ में आए होंगे अच्छे से, ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, थैंक यू।